गोरा कैसे बने? जी हाँ, अपने चेहरे को साफ कैसे करें? देखो, मैं यहाँ देह भाव रखने के लिए नहीं कह रहा, पर बहुत सारे भाइयों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने को कहा, तो ठीक है, बना देता हूँ। देखो, मैं ज्यादा गोरा तो नहीं और इतना कम गोरा भी नहीं हूँ। मेरे यहाँ के सब मुझे बहुत गोरा बताते हैं, जो मेरे पड़ोस के हैं और मेरे घर के हैं। तो इस टॉपिक पर मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, और इसीलिए नहीं दे सकता कि मैं गोरा हूँ, इसीलिए दे सकता हूँ कि मैं सांवले से गोरा हुआ हूँ। ये सबके लिए नहीं है। जो भाई जीवन को बेहतर जीना चाहते हैं, तो वो गोरे वगैरह की इतनी परवाह ना करें, वो अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएं, और वो सही दिशा जा रहे हैं। पर जो ज्यादा ही परेशान है अपने चेहरे को लेकर, तो वो समझ लें इस वीडियो को। और मैं पहले ही बता दूं, जो ज्यादा ही काले हैं, जिनकी त्वचा, जिनकी स्किन ज्यादा काली है, उन पर ये असर नहीं करेगा, बहुत बहुत कम फर्क आएगा। लेकिन जिनकी स्किन ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, वह गोरे हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो सकते नहीं, हो जाएंगे। मैं हो गया तो आप भी हो जाएंगे। मेरा गोरा होना तुक्का भी है, यानी संयोग भी, और फिर मैंने भी कुछ चीजें की, उससे मेरा रंग और निखर गया। अब माफी चाहता हूँ अगर किसी भी भाई को मेरी बातों से ठेस लगे कि काला गोरा कर रहा है, फर्क देख रहा है। नहीं भाई, बस कुछ भाइयों ने कहा तो बना रहा हूँ वीडियो। और आखिर कब तक बस वीर्य की परेशानियों पर ही बोलता रहूं? अब तो हर तरह के टॉपिक आपके सामने लाऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले समझते हैं कोई इंसान काला या गोरा बनता ही कैसे है। हमारी त्वचा के, यानी खाल के, स्किन के नीचे मेलनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर काला हो जाता है। इसी कारण हमारे शरीर का रंग गोरा या काला होता है। ओके, अब आपने ऐसे देश के लोग देखे होंगे, सुने होंगे कहीं ना कहीं, है ना? ये लोग जिस जगह, जिन देश में रहते हैं, वहाँ गर्मी ज्यादा पाई जाती है, सूरज की धूप बहुत तेज पड़ती है, तभी इन लोगों का रंग ऐसा होता है। अब इन्हें तो रंग से कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है, ये तो अपने जीवन को बेहतर जी रहे हैं। इन्हें अपने आप से गिलानी नहीं होती, ना ही अपने आप में शर्मिंदा। इन्हीं में से बहुत लोग हुसैन बोल्ट जैसे निकले हैं। वो तो हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो वो अंग्रेज तो चले गए, पर गोरा रंग ऊंचा होता है, बेहतर होता है, ये मानसिकता अभी तक नहीं गई हम लोगों के अंदर से। आज हिंदुस्तान में काले और सांवले लोगों की ना तो कोई वैल्यू करता है और ना उन्हें कोई सम्मान देता है। कोई लड़की थोड़ी सी सांवली हो जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते। हम गुलाम हैं आज भी गोरे रंग के, तभी तो बनानी पड़ रही है ये वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इनका रंग इसीलिए काला होता है क्योंकि इनके देश में गर्मी और धूप ज्यादा है। वहीं इसके विपरीत अंग्रेजों और ऐसे देश के लोगों को देखो, जहां धूप बहुत कम पहुंचती है, उन्हें आप देखोगे कि उनकी त्वचा का रंग गोरा है। तो अब समझते हैं कि आपको करना क्या है खुद की त्वचा को साफ रखने के लिए। मैं नींबू लगाओ, बेसन लगाओ वगैरह वगैरह नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा अजीब चीजें बताऊंगा, तुम सुन लो, मन करे तो कर लेना, वरना आपकी मर्जी। आपको सुबह उठना है और उठते ही पानी पीना है, उसमें आपको आंवला जूस डाल लेना है, अमेजोन पर मिल जाएगा, या आंवला खरीद कर उसे खा लो, और नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, बस पानी ही पी लो। ओके, अगर नहीं लाना चाहते तो सिर्फ पानी पी लो, लेकिन आंवला लियाओगे तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पानी पी लो और फिर फ्रेश होना है, जैसे कि होते हो रोज, ये सुबह करना है आपको बस। अब आपको ये करना है कि दिन में 3 लीटर पानी पीना है। ओके, और पीना ही पीना है, और दिन में घूट घूट करके बीच बीच में पीते रहना है, उससे स्किन बहुत साफ हो जाती है। ये मैंने खुद करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना ये है कि आपको 4 या 5 घंटे अंधेरे में बिताने हैं। अंधेरे में नहीं बिता सकते तो डिम लाइट, कम लाइट में बिताएं, और सूरज की किरणें खुद पर पड़ने न दें, सिर्फ सुबह की धूप और शाम की धूप खुद के शरीर पर लें। बाकी टाइम की धूप बहुत तेज है आजकल, तो वैसे ही गर्मी बहुत बढ़ रही है, जो कि आपकी त्वचा में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगी और आप काले दिखने लगोगे। और आपको एक चीज और करनी है, आपको रात को सोने से पहले मुंह धोना है। कैसे धोना है? साबुन को हाथों पर लगाएं और हाथों पर झाग होने के बाद उन झागों को अपने चेहरे पर लगाएं और तब मुंह धोएं, और धोने के बाद अच्छे तौलिए से पोंछ लें, और उसके बाद गोले का हल्का तेल, यानी नारियल का तेल थोड़ा सा लें, हाथों पर मसल कर चेहरे पर लगाएं, और फिर सो जाना है। रात की बात कर रहा हूँ, बस ये करना है आपको 4-5 महीने। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप खुद मुझसे कहोगे कि हाँ, बहुत ज्यादा फर्क आ गया पवन भाई। ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा लीपा पोती नहीं करनी, वो लगाओ फलाना ढिमकाना, कुछ मत लगाओ,
लगाने से बढ़िया है खा लो तो त्वचा में बेहतर लगेगा। कोई कहता है खीरा लगा लो, अबे खा लो तो फायदा ज्यादा मिलेगा। कोई बादाम तेल बताता है, अबे खा लो भाई। इसमें एक चीज मैंने मिस कर दी है, अगर आप चाहो तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है चेहरे पर निखार लाने के लिए। पर ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है, इनसे आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ये करना है और असर देखो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी। काम आई है कि नहीं वो तो आप 3-4 महीने बाद बताना। मिलता हूँ किसी और काम